श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, पूजनीय श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया गया श्राद्ध की अमावस्या के दिन तो आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी आत्मा को तृप्त कर सकते हैं। यदि अमावस्या के दिन एक छोटा सा उपाय करेंगे तब जब प्रदोष अमावस्या के दिन आपको यह उपाय करना है, प्रदोष के काल में यानी अमावस्या के दिन शाम के समय आपको एक काम करना है, नदी तालाब बावड़ी कुआं यहाँ पर आपके घर के जो भी नजदीक हो वहाँ आप एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करके आए। और ये बात का ध्यान रखें कि घी के दिए में बाती आप दक्षिण की तरफ मुख करके जलाएं, यानी दक्षिण की तरफ हमारे पितरों का वास होता है, दक्षिण मुख करके ही दीपक को प्रज्वलित करें। बस इतना सा कार्य करना है, आपके सारे पितृ दोष समाप्त हो जाएंगे। यदि आपके घर के आसपास नदी तालाब कुआ बावड़ी नहीं है तो आप अपने घर के आसपास पीपल वट या फिर बेल के वृक्ष के नीचे भी यह उपाय कर सकते हैं। और यह उपाय आप अमावस्या के दिन ही करें। आप एक घी का दीपक जरूर लगाएं क्योंकि नदी तालाब बावड़ी पर वे जल पीने आते हैं और जल पीकर तृप्त होकर चले जाते हैं। आप यह उपाय करेंगे तो आपके पितर जाते जाते आपको बहुत सारा आशीर्वाद देते जाएंगे, उससे आपको लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी, आपका जीवन धन धान्य हो जाएगा, आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो दर्शकों, ऐसे ही कई उपाय हैं जो पूजनीय श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए हैं हमारे चैनल के द्वारा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हम जब भी वीडियो डालें आप तक सबसे पहले पहुंच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।